गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था, वृद्धि एंड विकास, पेपर कोड नंबर 9101 ये आप लोगों का, जिससे इस पेपर का हल हमने सिलेबस स्टार्ट किया था कि इस पेपर में आप लोगों को पढ़ना क्या है। कल हम दो यूनिट के बारे में अध्ययन कर चुके, समझ चुके थे कि दो यूनिट हमें कौन कौन सी पढ़नी है। पहले में तो हमें बाल्यावस्था, वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करना है कि विकास क्या है, विकास वृद्धि और विकास किसे कहेंगे, वृद्धि विकास परिपक्वता, विकास की अवस्थाएं आदि के बारे में हमने कल समझा था कि इस यूनिट में क्या है। सेकेंड यूनिट के अंदर हमने बाल्यावस्था यानी कि बचपन में विकास, बाल्यावस्था के विकास की अवस्थाओं को हमने समझा था, उसके संवेगात्मक शारीरिक विकास की अवस्थाएं इसमें हैं उसके बारे में हमने जाना। इसमें दो प्रमुख सिद्धांत इसमें हैं, बाल्यावस्था में विकास के को किस दृष्टिकोण से समझा गया है उसके लिए दो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत को हमने इस यूनिट में पढ़ना है, जीन प्याजे और एरिक्सन। जीन प्याजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें कि कॉग्निटिव थ्योरी है, जिसमें कि बालक के विकास में बालक किस तरह से ज्ञान को अर्जित करता है, किसी भी चीज़ को सीखता कैसे है, जानता कैसे, उसे परिचय कैसे प्राप्त करता है, फिर उसका अनुभव उसे कैसे ग्रहण करता है, इस चीज़ को था। एरिक्सन का सिद्धांत है कि वह बालक के विकास को 8 स्तरों में उन्होंने बांटा है, 8 भागों में बांटा है और उसके अंतर्गत हमें सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के द्वारा किस तरह से एक बालक का विकास होता है उसके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। आज हम देखने वाले हैं हमारी तीसरी यूनिट, चूँकि ये पूरी तरह से साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पर आधारित है तो निश्चित है कि इसमें आपको सभी मनोविज्ञान के आधार पर जो टर्म्स हैं, जो उसके विचारधाराएं हैं उसके आधार पर हमें इस प्रश्न पत्र को समझना है और एक शिक्षक के लिए इस प्रश्न पत्र का पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठा लेते हैं कि मैडम इसका क्या मतलब है, हमारे क्या काम आएगा, लेकिन एक बच्चे को समझने के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि आपको मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई लोग इससे गुजरे भी होंगे या आपने अपने सहपाठियों के साथ में इस तरह के व्यवहार को देखा होगा कि वो कुछ होमवर्क नहीं कर पा रहा है या क्लास में प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है या बोर्ड पर लिखा हुआ वो नहीं लिख पा रहा है, और मतलब एक तरह से देखा जाए कि उसे कहीं कक्षा की जो गतिविधि है उसमें कहीं ना कहीं वो किसी भी एक पॉइंट पर पिछड़ रहा है। तो अब अधिकांशतः ये सोच बना ली जाती है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ये डफर है, ये कमज़ोर बालक है, इसको आता नहीं है, तो ऐसे में एक दो बार चार बार तक अभ्यास टीचर प्रयास करता है उसको बताने समझाने की, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है, तो फिर लगता है तो बेकार है, ये समझ नहीं पाता है, इसको बुद्धि कम है, ये कमज़ोर है, ऐसे में उसे काम करना नहीं चाहते, वो कमज़ोर हो बुद्धू के तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें उस तरह से शेम किया जाता है, इंसल्ट की जाती है। लेकिन अगर शिक्षक को मनोविज्ञान की जरा सी भी जानकारी है कि बालक का डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है, किस तरह से बालक के डेवलपमेंट की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है, अगर जरा सा भी शिक्षक को इसका पता है तो निश्चित है कि वह बालक की समस्या तक जाने का प्रयास करेगा। जैसे कि क्लास में बच्चा काम नहीं दे पा रहा है, बहुत उदास सा रह रहा है, नींद नींद में रह रहा है, तो ऐसे में यूँ लगता है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हों कि जो उसको तनाव में रखे हुए हैं और उसकी वजह से वो बालक प्रेजेंट अपनी अटेंशन क्लास में नहीं दे पा रहा है। अब डेवलपमेंट का पता हो कि एक उम्र के बच्चों का कितना डेवलपमेंट होता है और कैसा डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर फिर हो, हमने फर्स्ट यूनिट में जो अध्ययन की विधियाँ पढ़नी है उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि बालक की वास्तविक परेशानी क्या है। अगर शिक्षक को इसके बारे में पता ही नहीं है तो वो स्वयं किसी
और केवल बालक को प्रताड़ित करने का कार्य ही करे और होता भी यही है। इसीलिए मनोविज्ञान एक वह विषय है जो बालक को समझने में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो हमने दो यूनिट को देखा था, आज हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपकी किशोरावस्था, ठीक है ना, एडोलेसेंस किशोरावस्था। इसमें आपको किशोरावस्था में एडोलेसेंस एज में इस बालक का विकास कैसे होता है, इस यूनिट के अंदर हमें इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि एडोलेसेंट एज में विकास के लक्षण या विकास के स्तर, सिलेबस आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दिया जाएगा। यहां पर सिर्फ शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, विकास के लक्षण कौन कौन से विकास के लक्षण होते हैं या विकास का स्तर के किस प्रकार से विकास होता है उसमें बालक का, जैसे शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक, मतलब इस तरह से बात। क्योंकि विकास की बात तो जनरली हमारे दिमाग में रहती है वो केवल शारीरिक विकास तक ही, हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब बात करते हैं तो हमारा दिमाग केवल इस बात पर चलता है कि शारीरिक विकास की ही बात होती है, वृद्धि ही बस। लेकिन यहाँ पर विकास की जब बात आती है, शारीरिक विकास सॉरी बालक के विकास और वृद्धि की जब बात आती है, तो उसमें फिर उसका शारीरिक के साथ में सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संघनात्मक ये सभी प्रकार के विकास इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और उन कैसे होते हैं, एक आयु के बालक का कितना संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, यानी कि उनके इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा, वो अपने सॉरी संज्ञानात्मक इमोशनल संवेगात्मक विकास जैसे संज्ञान इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। बच्चा अपने गुस्से को नियंत्रित, इस किस आयु के बच्चे गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। तो ये चीजें एक निश्चित आयु तक अभ्यास के साथ उम्र के अनुभव के साथ वाला सीखता है। तो ये चीजें कैसे होती है, विकास कैसे होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर बाद में है एक तरह से बालक के व्यक्तिगत विकास हो गया, इसके साथ में बालक के विकास पर प्रभाव करने वाले प्रभावित करने वाले कारण, एक तरह से हम इस तरह से उस चीज को समझ सकते हैं कि बालक के विकास पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे जो संगठन है वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें समझना होगा कि बालक का शहरीकरण, ठीक है ना, शहरीकरण, जैसे कि आप अनुभव करते होंगे कि बहुत शहरी वातावरण से बहुत दूर दराज के गांवों में या बहुत जंगली, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो जंगल में भी अंदर काफी दूर के, मतलब शहरी संपर्क से बहुत दूर जो गांव बसे होते हैं, वहां के बच्चों का, वहां के बालिका व्यवहार, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके हर चीज को सोचने समझने का तरीका, और उसी गांव से निकलकर बच्चा किसी शहरी क्षेत्र में जाकर रहता है और उसके सोचने बात करने प्रेजेंटेशन देने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि वहां का एक ग्रामीण वातावरण बहुत शांत सुकून वाला वातावरण होता है, शहरी क्षेत्र में भागम भाग और बहुत ज्यादा सोशली रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा
एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे अवसर वहाँ पर मिलते हैं। तो अब जब उन दोनों बच्चों को एक ही गांव में दोनों बच्चों को एक साथ खड़ा किया जाए तो वहाँ पर स्पष्ट बालक के विकास में अंतर नजर आने लगता है। तो यही चीज है कि यह शहरीकरण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। उसमें फिर बाद में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब शहरीकरण के एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब ये किस तरह से इन सभी क्षेत्रों में बालक का विकास सभी क्षेत्रों से प्रभावित होता है और किस तरह से प्रभावित होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर बात में है किशोरावस्था के कुछ मतलब कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट इश्यूज है या मुद्दे हैं जिनको हमें समझना, एक शिक्षक के लिए समझना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए अगली जो इसमें होगी, जैसे फर्स्ट में तो हमने विकास के लक्षणों को देखा, सेकंड में प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, थर्ड में हम इसमें देखेंगे इशू मुद्दे। अब इसमें मुद्दे किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं उसके बारे में समझना होगा, क्योंकि एक अध्यापक के लिए इन्हें समझना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो बालक के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये इश्यूज कौन कौन से हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इश्यूज को समझना और ये इशू किस तरह से, ये मुद्दे किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं इसे समझना, और फिर इनका निवारण या इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि शिक्षक को सॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी होनी अनिवार्य है। इसीलिए इस चीज को भी यहाँ पर हमें देखना होगा। अब मुद्दों में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे पहचान का संकट, पहचान का संकट, आदर्शवाद, आदर्शवाद, फिर बाद में है यौन शोषण, यौन शोषण, उत्पीड़न, यानी कि
दुष्प्रभाव है उनसे उसको कैसे दूर किया जा सकता है, या ऐसे कौन से कारण है जो इसके इस डेवलपमेंट को और अधिक आगे अच्छी दिशा दे सकते हैं। ये यौन शोषण और उत्पीड़न इसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम बहुत सारे चैनल्स पर इसको देखते हैं, न्यूज हाइलाइट्स हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, और इसके बारे में हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इस ये क्यों होगा, इसके लिए बच्चे को कैसे अवेयर किया जा सकता है, और इससे बालक के विकास डेवलपमेंट विकास कैसे प्रभावित होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बाल श्रमिक हम सब जानते हैं, चाइल्ड लेबर वो किस तरह से है, वो कैसे बालक को प्रभावित करती है उसके डेवलपमेंट को, क्योंकि निश्चित है कि जिस समय बालक के ग्रोथ का टाइम है उस समय बालक को काम पर लगा दिया जाता है। अब बच्चा क्या काम करके उसका ग्रोथ होता है, बचपन बालक क्या है, उसकी जिंदगी उसकी रुचि किसमें, खेलना कूदना मस्ती करना। अब ऐसे समय में उसे एक जिम्मेदार प्राणी बना दिया जाए तो क्या होगा, तो इस चीज में कि क्या है ये स्थिति, बालक के विकास को कैसे प्रभावित करती है, पारिवारिक संरचना भी है, जैसे कि एक हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन आया है, जो कहना चाहिए कि एक तरह से जो संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी, वो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हुई, एकल परिवार हुआ, एकल में भी ऐसी स्थिति हो गई है कि मदर फादर दोनों वर्किंग हो गए हैं, वर्किंग होने के साथ में छोटा सा एक डिवाइस हाथ में रहता है, आप घर पर बैठे हैं, अपने घर के हर बंदा अपना अपना डिवाइस देते हैं, यानी कि मोबाइल। तो ये सब चीज़ें, ये तो एक सिर्फ बात है, बाकी जो पारिवारिक संरचना है, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में किस प्रकार के मुद्दे होते हैं, उसकी क्या परेशानियाँ हैं, उसके मैरिट और डिमैरिट्स क्या है, सिंगल फैमिली यानी कि न्यूक्लियर फैमिली वो क्या है, उसके मैरिट और डिमैरिट्स क्या है, और बालक के डेवलपमेंट पे दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाल अपराध चाइल्ड जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बाल अपराध में हम ये सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है बच्चा, ये उसकी आदत, बट अगर हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में उसकी बात करते हैं तो ये झूठ बोलना भी एक तरह का बाल अपराध माना जाता है। तो ये क्या है, इसकी आदत कैसे पड़ती है, बालक को इससे कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर किशोरावस्था के मार्गदर्शन और परामर्श, जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट जो होगा इसमें, मार्गदर्शन व किस तरह का हमें उन्हें मतलब कहना चाहिए कि बालक को किस तरह से हमें उनको जो गाइडेंस देकर और हमें उनके सही मार्गदर्शन हमें कैसे कर सकते हैं, उसको सही राय कैसे दे सकते हैं, सही दिशा कैसे प्रदान की जा सकती है, कौन कौन है जो इसके लिए उत्तरदायी है, कौन अच्छी गाइडेंस दे सकता है, किस तरह की गाइडेंस देनी चाहिए, टीचर को किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको जाननी है और समझनी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि इस कोठार यूनिट के अंदर हमें एडोलेसेंट एज को समझना है कि एडोलेसेंट एज क्या है, इस क्योंकि इस अवस्था को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किशोर अवस्था तूफान की अवस्था है। किशोर अवस्था बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि बहुत एग्रेसिव एज है, और उस एज को नियंत्रित करना सही दिशा इस उम्र में ही अगर बालक को सही दिशा प्रदान कर दी जाती है तो जिंदगी में कभी बालक अपने पथ से नहीं भटकता है, अपने जो अपनी दिशा है उससे वो कभी नहीं भटकता है। तो ये क्या है, किस तरह से बालक का डेवलपमेंट होता है, इस चीज को हम हमारी इस थर्ड यूनिट के अंदर देखें। अब बात आती है हमारी फोर्थ यूनिट, यूनिट फोर्थ यूनिट है हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य।
व्यक्तित्व और मानसिक, ठीक है ना, व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ। तो इस यूनिट के अंदर आपको पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। एक तरह से व्यक्ति के केवल शारीरिक बनावट को यानी कि बिल्डाउन को देखकर, उसकी हाइट हेल्थ को देखकर हम अमूमन कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनैलिटी में शारीरिक विकास जो है वह केवल एक पॉइंट है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो बालक की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं या पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो ये व्यक्तित्व किसे कहेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उसकी विशेषताएं हैं, हम इसके बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसमें हम लोग व्यक्तित्व की अवधारणा, प्रकार और व्यक्तित्व के घटक जो हमारी मूल बातें इसमें अवधारणा, प्रकार और घटक, ठीक है ना, हमें इनके बारे में समझना होगा कि इसका व्यक्तित्व किसे कहेंगे, पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्या है, इसके बारे में पढ़ना। फिर व्यक्तित्व के प्रकार, क्यों पर्सनैलिटी केवल एक ही तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की होती है, तो हमें इसको समझना है। कोई व्यक्ति फटाफट सबसे मिल लेता है, बात कर लेता है, अनजान व्यक्ति से भी दोस्ती कर लेता है। कोई व्यक्ति होता है कि जान पहचान के समूह में बैठे हुए भी वो चुप रहता है, बहुत नहीं बोलता है। कोई बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि स्पोर्ट्समैन, उसकी जो एक्टिविटीज है उसका फिजिकल होता है, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग, हर व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। तो ये अलग, जैसे कि सबसे बोल लेना बड़े मुखी है, सबसे नहीं बोल पाना में ज्यादा चुप रहना, शांत रहना अंतर मुखी। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक तरह से बड़े मुखी और अंतर मुखी, इस तरह के बहुत सारे व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार हैं। इनके बारे में हमें समझना है कि ये क्या है, फिर उसके घटक कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो सहायक होते हैं। फिर बात हैं, यहाँ पर हमें एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है फ्रायड, फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है ना। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि मन के विश्लेषणात्मक आधार पर, मतलब एक तरह से कहा जाए कि व्यक्तित्व के निर्माण में मनोविश्लेषणात्मक अवस्था यानी कि आपके मन की अवस्था किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से उसका निर्माण करती है, इस चीज का हमें यहाँ पर अध्ययन करना होगा। फिर बात है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारण, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने हिसाब से उसका विकास होता चला जाए। बहुत सारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विद्यालय, वातावरण सभी हैं जो उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। फिर बाद में है, फिर बाद में आता है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे, इसका क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्या है, अवधारणा, अवधारणा महत्व,
ये एक आपकी टेम्परेरी अवस्था है, लेकिन आप किसी कारणवश चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में तनाव है, तो ये भी आपका एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य जो उसको प्रभावित कर रहा है। उस अवस्था में आकर आपको जो भी कार्य सिखाया जाएगा आप उसको नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या है और इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है। तो आज यहीं तक लास्ट यूनिट, क्योंकि इसमें आपकी 5 यूनिट है, 5 में से हम 4 के बारे में बात कर चुके हैं, अभी एक यूनिट और बचा है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं यही कहूंगी कि अब तक जो आपका जो बात की चुकी है वो यूनिट है ना पाठ्यक्रम की, थर्ड और फोर्थ यूनिट को लिखी होगी। ये आपका आज का होमवर्क है जो आपको करना है कि जो आपकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसको लिखना है। फर्स्ट और सेकंड आप कल लिख चुके थे, हम कल इसके बारे में फोर्थ फिफ्थ यूनिट के बारे में कल चर्चा करेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।